First of all, what is the meaning of seepage? What is seepage? क्या तुम लोगों ने कभी सुना सीपेज? कहाँ सुना? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के पास, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ए डैम स्ट्रक्चर, दिस साइड वाटर लेवल इज लाइक दिस, दिस साइड वाटर लेवल इज लाइक दिस, ओके, सो there is a pressure difference, there is a chance of seeping of water from upstream to downstream. This is called seepage, hai na? Now the question is, what is the difference between seepage and permeability? What is permeability? Very good. Permeability is the property of the soil. Permeability is the property of the soil by which it allows water to pass through it. But seepage is the process of passing the water through the soil. Okay, remember seepage, the difference between permeability दरकार नहीं है, परमेबिलिटी एंड सीपेज. तो सीपेज परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ द परमेबिलिटी क्या है? सॉइल की प्रॉपर्टी है, खासियत है, इट अ गुण, है ना? अलग अलग सॉइल के अलग अलग वैल्यू है परमेबिलिटी. लेकिन सीपेज क्या है? प्रोसेस, है ना? प्रोसेस ऑफ गोइंग ऑफ वाटर वाटर बात समझ में आई? दोनों में हम भी कंफ्यूज थे कि परमेबिलिटी और सीपेज दोनों तो क्या है? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल. दोनों देख सुनने में एक सा लगता है, परमेबिलिटी सुनने में एक सा लगता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सुनने में एक सा लगता है, बट दीज आर डिफरेंट. ओके, सिंपली परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. ये प्रॉपर्टी है क्या? इसके थ्रू वाटर पास हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर हम वाटर रखें तो क्या इससे अंदर पास होगा? इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, है ना? लेकिन सॉइल की एक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स. एंड सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर, जो फेनोमेना जो प्रोसेस हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सीपेज. आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को.